जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग आई थिंक पाँच मिनट रह गए हैं अभी दस बजने में उतनी देर ज्वाइन कर लें सभी मुझे कमेंट करना जो भी प्रेजेंट हैं कमेंट करेंगे टेन रोल नंबर Five roll number thirteen, twelve, seven, one. 13, 12, 7 and one. Good morning, Ji. ジルト리 वीडियो को साथ साथ में लाइक भी कर दिया करें सभीमा गुड मॉर्निंग वन जीरो फोर वन जीरो नाइन प्रेजेंट कुछ बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट लगवा के फटाफट बीच में से गायब हो जाते हैं हाँ जी साक्षी शर्मा गुड मॉर्निंग चलो अपना लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं साथ में वीडियो लाइक भी कर दिया करो सेटिंग में चेक मैम No, ma'am, still here. Akriti. Okay, Akriti. 12. 12 roll number. Okay. Good morning, ma'am. 102 roll number. Good morning, ji. ओके लेट स्टार्ट विद द टॉपिक प्लाट डिफेंस मेकेजम और डिफेंस मैकेजम प्लाट्स एट हाउ प्लांट्स डिफेंड दम सेल्फ अगेंस्ट दैथोजेंस पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो ये कैसे डिफेंड करते हैं ये किसी ने जो है वो अपनी पीपीटी बनाई थी तो उसकी हेल्प हेल्प के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्लांट जो है वो दो तरीक़ों से डिफेंस कर सकता है ठीक है दो तरीक़ों से ये डिफ़ेंस कर सकता है एक तो इसकी मोरफोलॉजिकल वे यानी कि जो आउटर स्ट्रक्चर है उसके उसके उस तरीके से ये मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकता है जिससे कि पैथोजन अटैक ना कर सकें और दूसरा बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स क्रिएट कर सकता है जिसके थ्रू प्लांट जो प्लांट जो है वो इन्फेक्ट ना हो पाए किसी पैथोजन से ठीक है इन जनरल प्लांट्स प्लाट्स डिपेंड अगेंस्ट द पैथोजन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन्स फ्रॉम टू अर्सेनल ठीक है दो चीज़ों से ये दो वेपन्स होते हैं इसके पास एक तो होती स्ट्रक्चरल कैटेगरीज करेक्टर स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स होते हैं इसके दैट तो एज द फिजिकल बैरियर दैट एक्ट एज द फिजिकल बैरियर एंड इनिबिट द पैथोजन फ्रॉम गेनिंग द एंट्रेंस एंड स्प्रेडिंग थ्रू द प्लांट ठीक है इस तरीके से ये खुद को फिजिकली तैयार करता है मोरफोलॉजिकली वे से इस तरीके से इसके बैरियर्स जो है वो क्रिएट करता है जिससे कि पैथोजन इनहिबिट होते हैं इसको इन्फेक्ट करने से या फिर इसके अंदर या तो वो एंट्री नहीं कर पाएंगे और स्प्रेड भी नहीं हो पाएंगे थ्रू द प्लांट और दूसरी चीज है बाई रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड प्रोसीड द प्रोड्यूस द सबस्टांसिस दैट आर टॉक्सिक टू द पैथोजन और क्रिएट द कंडीशन दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इनसाइड द प्लांट ठीक है या तो फिर ये ग्रोथ ऑफ पैथोजन रुकेगा या फिर क्या करेगा ये या फिर अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएगा जिससे कि पैथोजन जो है वो अटैक ना कर पाए ठीक है दो तरीके का है स्ट्रक्चरल जो मैकेनिज़्म है इसमें स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म भी दो तरीके का होता है ठीक है तो हमने क्या पढ़ा अभी कि प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म जो है दो तरीके से प्लांट डिफेंड कर सकता है एक हो होता है मोरफोलॉजिकली यानी कि स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली ये डिफेंड कर सकता है और दूसरा ये बायोकेमिकली डिफेंड कर सकता है तो स्ट्रक्चरली ये जो है वो एक तो प्री इन्फेक्शनल कंडीशन में जब पैथोजन जो है वो उसका अटैक नहीं हुआ है तब ये क्या करेगा और पोस्ट इन्फेक्शनल कंडीशन तब ये क्या क्या करेगा तो ऐसी ही सेम कंडीशन जो है वो प्री एंड पोस्ट इन इन्फेक्शन कंडीशन जो है वो बायोकेमिकल में भी होती है जी वन जीरो एट प्रेजेंट वन ज़ीरो एट इज प्रेजेंट चलिए आप लोगों का सिलेबस ज़्यादा है और उस हिसाब से क्लासेस जो है इस तरीके से लेनी पड़ेंगी तो इस तरीके से प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रक्चरली और बायोकेमिकली काम करता है और स्ट्रक्चरली भी प्री इन्फेक्शनल अगर इन्फेक्शन होने से पहले जो वो क्या काम करेगा और इन्फेक्शन अगर हो जाए बाय द वे तब वो क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने अंदर लाए नेक्स्ट है बायोकेमिकल चेंजेस बायोकेमिकल चेंजेस में वो अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो बायोकेमिकली क्या सिक्रेट करेगा ऐसा या क्या ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो लाएगा या फिर इन्फेक्शन हो गया तब वो उससे डिफेंड करने के लिए क्या करेगा वे से ठीक है तो यही चीज जो यहाँ पे बताई गई है टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म प्री फॉर्म और प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रक्चर्स और पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रक्चर्स ठीक है तो बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रक्चर ये भी सेम इसी तरीके से होगा कि पहले और बाद में क्या कंडीशंस होती हैं ठीक है अगर नहीं हुआ है इन्फेक्शन तब क्या हो रहा है वहाँ पे और इन्फेक्शन हो चुका है तब वहाँ पे क्या बायोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है तो अब आते हैं स्ट्रक्चरल डिफेंस मकैनिज्म पे साथ में बुक में भी थोड़ा सा आपको करवा देती हूँ अगर कोई चीज़ यहाँ पे छूटती हो तो मैं बुक के माध्यम से आपको करवा देती हूँ इसमें सारी चीज़ें जो है वो ध्यान से पढ़ना है ये क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आ सकते हैं ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है एंजाइम्स हैं टॉक्सिन्स हैं ये सभी के सभी जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपको सेकेंड यूनिट के अंदर क्या क्या था एक तो टॉक्सिन और एंजाइम्स जो इम्पोर्टेंट थे और तीसरी चीज़ थी कि फ़िजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या डालते हैं अगर पैथोजन जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है तो प्लांट के ऊपर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं जो कि आपको एक वीडियो में पहले ही करवा चुकी हूँ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में मतलब जैसे फोटोसेंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है इन्फेक्शन या रेस्पिरेशन को कैसे इन्फेक्ट करता है तो रेस्पिरेशन जो है वो उसको मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा हो जाती है रेस्पिरेशन जो है वो पहले के हेल्दी प्लांट के मुकाबले रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है फोटो सिंथेटिक रेट कम हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन रेट बढ़ जाता है ठीक है ट्रांसलेशन रेट बढ़ जाता है क्यों क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड वो प्रोटीन्स बनाए जाते हैं या फिर ऐसे केमिकल्स इक्रिएट किए जाते हैं जिसके थ्रू जो वो प्लांट डिजीज़ को डिफेंड किया जा सके तो अब आते हैं स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म पे स्ट्रक्चरल डिफेंस मकैनिज़म पहले आते हैं प्री फॉर्म्ड और प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर प्री फॉर्म्ड और प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर्स। अगर प्री एग्जिस्टिंग है तब क्या होगा तो पहले तो स्ट्रक्चरल जो मेकअप है प्लांट का वो क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ठीक है आपने पढ़ा होना है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे पहले प्लांट जो है वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है सबसे पहला जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द पैथोजन अगर पैथोजन अटैक करता है तो उसके खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है सरफेस विच द पैथोजन मस्ट एडहीयर और पेनीट्रेट और इफ इट इज टू कॉज इन्फेक्शन अगर इसे इन्फेक्शन कॉज करना है तो ऑबियसली प्लांट के सरफेस को एडियर करना पड़ेगा यह प्लांट सरफेस को एडेयर करना पड़ेगा तो अगर प्लांट का सरफेस ही कुछ ऐसा होगा ठीक है प्लांट का सरफेस ही कुछ ऐसा होगा जिससे कि प्लांट जो पैथोजन है वो उसको एडहेयर नहीं कर पाएंगे तब तब तो प्लांट बचा रहेगा ना सम स्ट्रक्चरल डिफेंस आर प्रेजेंट इन द प्लांट इवन बिफोर द पैथोजन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्लांट पैथोजन जो हो वो अभी प्लांट के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं लेकिन फिर भी क्या किया जाता है इसको प्लांट जो वो पहले से ही तैयारी करता है एंड सच स्ट्रक्चर इंक्लूड द अमाउंट ऑफ अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ वैक्स एंड क्यूटिकल अब यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं वैक्सीज एंड क्यूटिकल्स ठीक है तो ये लिस्ट बनानी है बाद में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो वो बनते हैं अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो. तो एक हो गया वैक्स और दूसरा हो गया क्यूटिकल वैक्सीज एंड क्यूटिकल दैट कवर द एपिडर्मल सेल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द एपिडर्मल सेल वॉल्स ठीक है स्ट्रक्चर और दूसरा क्या हो गया एक तो वैक्स हो गया क्यूटिकल हो गया और सेकेंड चीज़ क्या हो गई एपिडर्मल सेल वॉल्स एपिडर्मिज जो हो गई उसकी सेल वॉल किस तरीके से बनी है ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड द साइज उस सेल का साइज लोकेशन एंड द शेप्स ऑफ द स्टोमेटा जो स्टोमेटा है उसका साइज़ लोकेशन और लेंटी uh, सेल्स तो लेंटी सेल्स आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं ये भी स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर द सेक ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन वो वाली नहीं इनहेल करने वाली रेस्पिरेशन। द प्रेजेंस ऑफ टिशू मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड सेल दैट इंडर द एडवांस ऑफ द पैथोजन ऑन द प्लांट कि थिक टिशू जो है वो बना दिया जाता है या फिर एक जो आउटर लेयर है वो वहाँ पर थिक टिश्यू जो है वो होता है जिसके कारण जो पैथोजन इन्वेड नहीं कर पाते हैं पेनिट्रेट नहीं कर पाते इन्वेशन तो अंदर हो जाएगा एंड थिक मैट ऑफ हेयर्स द प्लांट सरफेस में सिमिलर वाटर रिपेलिंग इफेक्ट वाटर रिपेलिंग इफेक्ट एंड मे रिड्यूज द इन्फेक्शन इफेक्ट डालता है जिसकी वजह से क्या होता है इंफेक्शन रिड्यूज हो जाता है तो so, इसका एग्जाम्पल है द स्टेम रस्ट ऑफ वीट कैन एंटर ओनली वेन द स्टोमेटा आर ओपन स्टेम रस्ट ऑफ वीट आपने बहुत सुना होगा ये डिजीज आजकल वीट लगी भी हुई है तो आज मतलब वीट में ये डिजीज कॉमन होता है स्टेम रस्ट ऑफ वीट तो यहाँ पे क्या होता है दस सम वीट वेराइटीज सम वीट वेराइटीज इन विच द स्टोमेटा ओपन लेट इन द डे आर रेजिस्टेंट स्टोमेटा जिसमें लेट ओपन होगा दिन में वो रेजिस्टेंट होंगे क्यों बिकॉज द जर्म ट्यूब्स ऑफ द स्पोर जर्मिनेशन इन द नाइट ड्यू डेसिकेट ड्यू टू द इैपोरेशन ऑफ ड्यू बिफोर द स्टोमेटा वी टू ओपन फंक्शनल रजिस्टेंस जिसको बोलते हैं फंक्शनल रजिस्टेंस कि जब तक स्टोमेटा ओपन होगा ना तब तक वो ड्यू जो है वो गायब हो चुका होगा वो इवेपोरेट हो चुका होगा ऑब्वियसली वो जो इसके स्पोर्स होते हैं स्टेम रस्ट ऑफ वीट जो कॉज करता है ऑर्गेनिज़म इसका नाम नहीं है याद मेरे को तो इसके जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट किस में करेंगे जो ड्यू होती है मतलब ओस की जो बूंदें होती हैं तो अगर लेट ओपन ओपन होगा दिन में स्टोमेटा लेट ओपन होने की वजह से क्या होगा जब तक वो ओपन होगा तब तक तब तक वो ओस की बूंदें जो है वो सूख चुकी होंगी और वो स्पोर जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा फॉर एग्जाम्पल अ वेरी नैरो एंट्रेंस और ब्रॉड एलिवेटेड गार्ड सेल्स में ऑल्सो कन्फ्र द रजिस्टेंट टू द सम वेराइटी ऑफ द मैं अगेंस्ट द एक्स जेंथोमोनास और जेंथोमोनास ए पी वी मतलब इसकी जो पैथोजन वेराइटी है सिटराई उससे ये बचाता है रजिस्टेंट है Next is the also the xylem bundle sheath and the cell of the leaf veins effectively block the spread of some fungal, bacterial, and nematode pathogens that cause uh, various angular leaf spots because of their spread only into areas between the not across the vein. The xylem or, uh, xylem or bundle sheath cells, jo hai, the cells of leaf veins effectively block the spread of the मतलब अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है ठीक है या फिर इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है तब भी ये क्या करेंगी एक ऐसी जो है वो चीत जैसी बनाएंगी कि जिसकी वजह से या फिर ब्लॉक कर देंगी कोई भी इनको लगा कि कोई भी पैथोजन वहाँ पे अटैक कर रहा है तो ओबियसली वो वहाँ के आगे जो एंट्री है उसको क्या कर देंगी ब्लॉक कर देंगी एक तरीके से तो उसका मैकेनिज़म भी आगे पढ़ेंगे वो वेन्स में जो वो एंटर नहीं कर पाते हैं ठीक है वंडल वंडल शीत और जाइलम में वो एंटर नहीं कर पाएंगे पैथोजेंस पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड डिफेंस स्ट्रक्चर्स तो पोस्ट इन्फेक्शनल अगर इन्फेक्शन हो जाए तब क्या होता है तो इसके बारे में जो है आपको जो आर एस मेहरोत्रा की जो बुक है और अशोक अग्रवाल की जो बुक है उसमें इसको काफ़ी वैक्सीज एंड क्यूटिकल्स को जो है वो काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया हुआ है और स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल सेल वॉल को भी काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया गया है और नेचुरल ओपनिंग और इंटरनल स्ट्रक्चर और टू द पैथोजन इन इन्वेशन इंटरनल so, स्ट्रक्चर भी इसके अंदर बताए गए हैं जो प्री इन्फेक्शनल स्टेजेस हैं ठीक है प्री इन्फेक्शनल स्टेजेस में एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है इंटरनल स्ट्रक्चर्स तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं वो कुछ इस तरीके से ये बनाए गए हैं टू द सॉरी टू एज ए बैरियर टू पैथोजन इन्वेशन इन सर्टन वराइटीज ऑफ वीट द प्रेजेंस ऑफ वंडर्स एंड एरियाज़ इंक्रीज एरिया ऑफ स्क्लेरनकाइमा सेल्स तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन थी उसकी थोड़ी एक्सप्लानशन है स्क्लेरनकाइमा सेल्स इंक्रीज एरियाज ऑफ स्कैर स्कलैरनकाइमा सेल्स दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन सीरियल रस्ट तो उस क्लैरन कायमा सेल्स जो हैं वो क्या कर जाती है वहाँ पे उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाती है उसकी वजह से सीरियल्स में रस्ट जो है वो नहीं हो पाता ठीक है सीरियल रस्ट जो है वो नहीं हो पाता वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो पाता और बाकी बताया नैचुरल ओपनिंग नेचुरल ओपनिंग आपको पता है क्या क्या हो सकती है नेचुरल ओपनिंग्स टोमेटा वगैरह आपने जब मोड ऑफ इन्फेक्शन में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि इन्फेक्शन कैसे कैसे हो सकता है कट नेचुरल कट या बूंद से हो सकता है नेचुरल तो तो नहीं होगा कट या बूंद लेकिन नेचुरल ओपनिंग से हो सकता है कट या बूंद से हो सकती है या फिर डायरेक्ट uh, पेनिट्रेशन से हो सकती है ठीक है ये चीज़ हो सकती थी तो नेचुरल ओपनिंग को कुछ इस तरीके से डायरेक्ट पेनिट्रेशन का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वैक्सीज और क्यूटिकल ही हेल्प कर सकते हैं अदर लेकिन नेचुरल ओपनिंग को जो है वो प्लांट कैसे बचाता है तो एक एग्जांपल आपने पढ़ा जो स्टेम रस्ट ऑफ वीट है वो कौन कॉज करता है पक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटिकाई स्टेम ब्रस्ट ऑफ वीट जो है वो कौन कॉज करेगा पक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटिकाई तो ये वैरायटी जो है वो अपने स्टोमेटा को बाद में खोलती है जब तक कि जर्म ट्यूब जो जर्म ट्यूब स्पोर जो हैं वो नाइट ड्यू डेसिकेट में जो वो उसमें क्या कर जाते हैं डेसिकेट कर जाते मतलब एक तरीके से जो है वो वो इवैपोरेट हो जाते हैं और ड्यू जो है उसका जो मतलब एक तरीके से उसको पानी चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए तो पानी जो है वो नहीं मिलता है उसको जर्मिनेट करने के लिए और अगर वो जर्मिनेट करेगा भी वो डेसिकेट कर भी जाएगा उस पानी में तब उसको जो है वो इन्फेक्ट करने के लिए आगे आ, कोई टिश्यू चाहिए तो वो उसको एट दट टाइम जो है वो डायरेक्ट पेनिट्रेशन वो कर नहीं सकता नेचुरल ओपनिंग जो है वो ओपन नहीं होगी उसके कारण जो है वो वहीं पे वो मर जाता है स्पोर इसके कारण इन्फेक्शन नहीं हो पाता अब आफ्टर द इन्फेक्शन देखते हैं कि क्या होता है पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड डिफेंस स्ट्रक्चर पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड डिफेंस स्ट्रक्चर्स अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ऑब्बियसली उसकी वजह से क्या होगा इंडक्शन होगी कि सेल सिग्नलिंग uh, की जो हो वो अगे इंडक्शन होगी कि आप ये चीज बनाओ ठीक है इसलिए इसको क्या होगी क्या बोल रहा है इंड्यूस्ड डिफेंस स्ट्रक्चर्स सम ऑफ डिफेंस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्मड इन्वॉल्व द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स अंडर अटैक एंड द साइटोप्लाज्म डिफेंस साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शंस ठीक है एंड अदर इन्वेडिड सेल्स आर कॉल द सेल वॉल डिफेंस स्ट्रक्चर्स तो इनवेडिड सेल्स जो हैंड सेल्स हैं उनके जो सेल वॉल हैं वहाँ पर क्या बन जाता है डिफेंस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं देखते हैं आगे क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये किसको बोलते हैं ये डिफेंस स्ट्रक्चर्स एंड द स्टिल अदर इन्वॉल्व द टिश्यूज हैड ऑफ़ द पैथोजन डीपर इंटू द प्लान आर कॉल दिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर्स तो ये टिश्यू को जब इन्वेड कर जाते हैं तब टिश्यू के अंदर जो है हिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं ये भी देखते हैं आगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो वो यहाँ पे बन जाते हैं फाइनली द डेथ ऑफ द इन्वेडेड सेल मे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द फर्दर इन्वेशन इज कॉल्ड द नेक्रोटिक और हाइपर सेंसिटिव डिफेंस रिएक्शन कि अगर जिस सेल को इन्फेक्शन हुआ है उसकी डेथ हो जाए तो क्या होता है उसके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं या फिर कोई भी ओपनिंग है उसके थ्रू जो है uh, वो अदर सेल्स जो है वो वो अटैच्ड नहीं रहती हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे नहीं फैल पाता है तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको क्या बोलते हैं नेक्रोटिक और हाइपर सेंसिटिव डिफेंस रिएक्शन बोला जाता है तो देखते हैं साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन किसको कहा जाता है द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म सराउंड द कलम्प ऑफ हाइपे एंड द प्लांट सेल न्यूक्लियस इज स्ट्रैच टू द पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स इंटू टू द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म क्या करता है ये सराउंड कर लेता है कलम्प ऑफ फाइबे जो हाइफे का जो ग्रुप है उसको मतलब यानी कि गुच्छा है उसको क्या कर लेगा सराउंड कर लेगा एंड प्लांट सेल न्यूक्लियस इज स्ट्रैच टू द पॉइंट प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो स्ट्रैच कर जाता है द पॉइंट वेयर इट ब्रेक इनटू टू तो इसको क्या कर लेगा? मतलब जहाँ पे इसको दो हिस्सों में तोड़ा जाता है एंड इन सम सेल्स साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन इज ओवरकम इज टू ओवरकम एंड द प्रोटोप्लास्ट डिस फंगल ग्रोथ इनक्रीज यहाँ पे सेल वॉल है सेल्स में आपको साइटोप्लाज का ही बता देती हूँ कि कैसे साइटोप्लाजम जो है वो डिफेंड करता है ये तो डायग्राम सेम है इसकी तरह डायग्राम है सेल वॉल डिफेंस स्ट्रक्चर की तरह चलो इसकी डायग्राम जो है वो नहीं है साइटोप्लाज्मिक डिफरेंस रिएक्शन जो है चलो देखते हैं इसमें क्या किया जाता है डायग्राम्स तो बहुत हैं लेकिन मेरे को यहाँ पे तो कोर क्लेर है

प्रोटोप्लास्ट जो है वो डिस्पेयर हो जाता है प्रोटोप्लास्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है या फिर क्या होगा उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो इनक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज हो जाएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रैनुलर और डेंस हो जाएगा और बहुत सारे पार्टिकल्स और स्ट्रक्चर उसमें दिखने लगेंगे एलेवन रोल नंबर शिवानी ठाकुर कितना टाइम हुआ साढ़े दस दस बज के बाईस मिनट जल्दी ज्वाइन कर लिया करो क्लास फिर उसके बाद फाइनली द माइसिलियम ऑफ पैथोजन डिस एंड द इन्वेशन स्टॉप उसके बाद क्या किया कर दिया जाता है जो माइसिलियम है द माइसिलियम ऑफ द पैथोजन डिस उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है अब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या हो रहा है ग्लैंडोडेंस और बहुत सारे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं तो वो पार्टिकल्स या स्ट्रक्चर्स जो हों वो एक तरीके से ऐसे मटेरियल का होंगे जो उसको जो माइसीलियम को डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करेंगे तो वो न्यूक्लियस जो है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएगा या डायरेक्ट करेगा ऐसे प्रोटीन्स तो को या ऐसे एंजाइम को बनाने के लिए जो है वो डायरेक्ट करेगा जिससे कि वो फंगल माइसीलियम जो है डिसइंटीग्रेट हो सके उसको ख़त्म किया जा सके अब सेल वॉल डिफेंस स्ट्रक्चर सेल वॉल डिफेंस स्ट्रक्चर क्या होता है अगर सेल वॉल जो है वो उस डिफेंड करती है पैथोजेंस के खिलाफ तो वो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाती है द आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ पैरन कैमा पैरन कैमा सेल की जो आउटर लेयर है जो सेल वॉल की जो आउटर लेयर है कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इनकंपैटिबल बैक्टीरिया स्वेल्स एंड प्रोड्यूसेस एन अमोर्फस एंड फाइब्रिलर मटेरियल दैट सराउंड्स एंड ट्रैप द बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट देम द फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी तो ये बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने से रोकता है सेलव वॉल इन रिस्पॉन्स टू सेबरल पैथोजेंस ये सेल वॉल जो है वो थिक हो जाती है पैथोजेंस के रिस्पॉन्स में और प्रोड्यूसिंग वट अपेयर टू बी सेलोलॉजिक मटीरियल तो ये क्या बनाती है सेलुलॉजिक मटीरियल जो है वो बनाती हैं एंड दिस मटीरियल इज हाउ हेवर ऑफन इन्फ्यूज विद दिनो फिनोलोइक सब्सटेंसेस, फिनोलॉइक सब्सटेंस के साथ जो है वो इन्फ्यूज़ कर जाता है एंड दैट आर क्रोस लिंक्ड एंड फर्दर इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस टू द पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है जब पैथोजन जो है वो इनवेड uh, करने की कोशिश करते हैं या पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे सेल वॉल जो है वहाँ पे क्या uh, कुछ एक ऐसा मटीरियल जो है वो नजर आने लगता है जो सेलोलोजिक मटीरियल और उसके साथ जो है वो फिनोलोलिक मटेरियल्स के साथ वो क्या कर जाता है इन्फ्यूज़ कर जाता है और क्रॉस लिंक क्रॉस लिंकेज बना देता है जिसके कारण जो वो सेलुलोज की जो सेल वॉल है वो और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाती है पेनिट्रेशन के वन जीरो सिक्स कविता थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए जल्दी ज्वाइन किया करो क्लास अभी क्लास दस बजे होती है नेक्स्ट इज द कैलोस दैलोज पैपले कैलोज पेपेट ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल इन टू द द इन्वेजन इन्वेजन बाय फंगल दिन तो कैलोस आपने सुना होगा कैलोस जो वो एक ऐसा होता है जो कि डिपॉजिट होता है सेल वॉल्स के साथ और ये जब डिपॉजिट होता है तो ये काफ़ी हार्ड होता है तो इसको इन्वेड करना है पेंट्रेट करना है, जो है वो वो आसान नहीं होता तो इसलिए ये इन्फेक्शन से रोकता है कैलोस पेपिले जो डिपोजिट हो जाते हैं सेल वॉल के ऊपर एंड पेपिले सेम टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल विद इन द मिनट्स विद इन मिनट्स आफ्टर बुंडिंग और विदिन टू थ्री आवर्स आफ्टर द इनक्यूबेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ पे बोंड हो ठीक है बोंडिंग हो जाए तो वो इन द मिनट्स जो है वो अपेयर हो जाते हैं पेपिले सेल वॉल पेपिले ठीक है और अगर विद इन द मतलब अगर इनक्यूबेशन हो जाए मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कांटेक्ट में आ जाए आ, प्लांट के तब क्या होता है दो से तीन आवर्स के अंदर ये पेपले जो है वो बनने शुरू होते हैं ऑल दो द मेन फंक्शन ऑफ पेपिले सीम टू विद रिपेयर ऑफ द सेलुलर डैमेज तो सेलुलर डैमेज को ये रिपेयर करता है वैसे मेन फंक्शन ये होता है पेपिले का बट समाइम स्पेशली इफ द पेपिले आर प्रेजेंट बिफोर द इनक्यूबेशन अगर इनक्यूबेशन से पहले ही पेपिले प्रेजेंट है तो तब क्या होता है तब क्या काम है उसका दे ऑल्सोट दैथोजन पेनीट्रेटिंग द सेल वॉल ठीक है तो वो क्या करते हैं सेल वॉल को पेनीट्रेट करने से रोकते हैं पैथोजन को इन सम केसेस हाइफल टिप्स हाइफल टिप्स ऑफ फंजाई पेनीट्रेटिंग

सेलोलॉजिक मटेरियल से क्या बनाते हैं उसकी हाइफे के अराउंड जो है वो शीत जैसी बना बना देते हैं जिसकी वजह से जो हाइफा है वो आगे बढ़ नहीं पाता ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे जैसे हाइफा फंगल हाइफा जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है यहाँ पे बर्डिंग काफ़ी छोटी है आपको दिखाई नहीं देगी तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ दिस इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ शीत अराउंड द हाइफा कि अराउंड द हाइफा जो है वो शीत कैसे बनती है तो हाइफा का मतलब मतलब यहाँ पे एच लिखा है इट मीन्स दैट इज हाइफा एंड पेनिट्रेटिंग द सेल वॉल सेल वॉल क्या है सी डब्ल्यू एंड एप्रीसोरियम एप्रीसोरियम क्या है ये जो स्पोलन uh, जैसा पार्ट है जो कि स्पोर से बनता है एप्रीसोरियम ए एच एंड एडवांसिंग हाइफा स्टिल इनक्लोज शीत जो एडवांसिंग हाइफा है ठीक है जो सेल वॉल uh, की शीत के साथ जो है वो वो in, uh, एक तरीके से क्या हो जा हो, हो रहा है उसको घेर लिया गया है एंड हाइफा इन द साइटोप्लाज्म एंड शीत ये सारी जो है वो शीत, ये शीत जो वो आगे आगे जहाँ पे हाइफा बनता जाएगा वहाँ पे शीत जो है वो बनती जाती हैं ताकि ये शीत को इनपेनिडेट ना कर पाए हाइफा और जो फर्दर प्लांट को जो हम नुकसान ना पहुंचा पाए तो ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म अब आते हैं हिस्टोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म पे तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या आता है मतलब अगर टिश्यू को इन्फेक्ट किया जाता है तो तब क्या होता है बच्चे लेट क्यों आते हो तुम लोग वन ज़ीरो एट वन ज़ीरो एट अभी चल पड़े तुम थु? लगाई थुआ थुआ yeah. तो है तुम्हारी अटेंडेंस हिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर्स तो हिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क लेयर्स यहाँ पे कॉर्क बनने शुरू हो जाता है आपने पढ़ा है ना कॉर्क फोर्थ पेपर में आपने कॉर्क के बारे में पढ़ा था तो कॉर्क क्या होता है हार्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है अराउंड स्टेम जो है वो ये स्टेम के अराउंड बनाया जाता है किससे स्प्लिटिंग ऑफ द टिश्यू जो वो उससे बचने के लिए या फिर तो जो आउटसाइड जो जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम के अंदर तो ओबियसली जो आउटसाइड के टिश्यूज हैं वहाँ पे हो सकता है कि श्रिंकेज जा आ जा जाए या फिर कोई कट या बुंड वगैरह कट या बुंड वैसे तो नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा श्रिंकेज होने की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो जैसे स्प्लीटेज जैसे आ जाए तो उससे बचने के लिए कार्क लेयर्स जो है वो बनाई जाती है तो कार्क लेयर उसका वैसे भी काफ़ी फ़ायदा होता है वो प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम आती है और यहाँ पे कार्क लेयर का क्या काम है अगर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्क लेयर बन रही है तो यहाँ पर क्या काम कर रही है वो चलो आते हैं इस पर इन्फेक्शन बाय फंजाई और बैक्टीरिया और इवन बाय समयड फ्रिक्वेंटली इंड्यूसिस द प्लांट टू फॉर्म सैबरल लेयर्स ऑफ द कॉर्क सेल बियउ द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे सैबरल लेयर ऑफ कॉर्क जो है वो बनने शुरू हो जाता है अपेरेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिबलेन ऑफ होस्ट सेल बाई दबस्टांसिस प्लान बाई द पैथोजन तो ये किसकी वजह से होता है जहाँ पे सब्सटेंसेस पैथोजन पैथोजन जो है कुछ एक जो वो सबस्टांसिसक्रीट करते हैं उसकी वजह से वहाँ पे कोर क्लेयर जो है वो बन जाती है तो इसका ये डायग्राम है देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क इन द पोटैटो ट्यूबर एंड फॉलो द फॉलोइंग द इन्फेक्शन विद द राइजोक्टोनिया राइजोक्टोनिया जो है वो उसकी माइसिलियम यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहे हैं सेल्स को तो ये सेल्स जो है वो उसका सेल की डेड बॉडीज बढ़ी हुई हैं भाई और साथ में जो राइजोक्टोनिया जो माइसीलियम है वो पड़ा हुआ है तो स्टार्च ग्रेन क्रोप तो इसके अराउंड जो है वो यहाँ पर क्या बनने शुरू हो गया तो कॉर्क बनने शुरू हो गया है तब कॉर्क बनने शुरू हो गया तो वो क्या कर रहा है कॉर्क जो है वो क्यों बनने शुरू हो रहा है ये डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट का ताकि ये आगे के सेल्स जो हैं हाँ वो बच सकें इन्फेक्शन से नेक्स्ट इज द कॉर्क लेयर इन्हीबिट द फर्दर इन्वेशन बाय द पैथोजन द इनिशियल एंड ऑल्सो ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ एनी टॉक्सिक सब्सटांस दैट द पैथोजन मे सिक्रेट तो ये जो है हाँ वो इनबिट करता है फर्दर इन ऑफ़ द पैथोजन एंड द इनिशियल लेजन एंड बनिशियलो ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ एनी एन ऑक्सीजन टॉक्सिक सबस्टांसिस दैट पैथोजन मे सिक्रेट ठीक है तो ये बाहर ही रहेगा और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सब्सटेंस ये सिक्रिएट भी करेंगे पैथोजन तो ये कार्क्लेयर के बाहर की तरफ ही रहेगा इसके अंदर की सेल्स को डैमेज नहीं कर पाएगा इसलिए यहाँ पे कार्क्लेयर्स बनाई जाती है एंड फर्दर मोर द कॉर्कलियर स्टॉप द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द हेल्दी प्लांट टू द इन्फेक्टेड एरिया एंड डिप्राइव द पैथोजन ऑफ द नरिशमेंट एंड द डेड टिश्यूज इंक्लूडिंग द पैथोजन आर दस डीलिमिटेड बाय द कॉर्कर्स इन द प्लेस एंड फॉर्मिंग द नेक्रोटिक रिमार्केबली यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप फॉर ए पर्टिकुलर होस्ट पैथोजन कॉम्बिनेशन तो बेसली यहाँ पे क्या किया जाता है कॉर्कलेयर बना दी जाती है तो कॉर्कलेयर के बाहर वाली तरफ जो है वो न्यूट्रियट्स का फ्लो नहीं हो पाएगा तो न्यूट्रिय का फ्लो नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे पैथोजन यहाँ पे जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं प्लस जो पैथोजन हैं उनको कुछ खाने के लिए नरिशमेंट जो वो नहीं मिल पाएगी उसकी वजह से ये यहीं पे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगे तो डिप्री तो डेफिशिएंसी हो जाएगी उसके कारण ये यहीं पे कुछ दिनों बाद लेजेंस जैसा बन जाएगा और यहीं पे मर जाता है इन सम होस्ट पैथोजन कॉम्बिनेशन द नेक्रोटिक टिश्यूज आर पुस्ट आउटवर्ड बाय द अंडर लाइंग वेल्थी टिश्यूज एंड फॉम द स्कैब्स दैट मी स्लोटेड ऑफ एंड दस रिमूव द पैथोजन फ्रॉम द तो ये क्या किया जाता है यहाँ पर पैथोजेंस जो हैं वो इसको नेक्रोटिक uh, टिश्यूज से पैथोजेंस जो है वो उसको रिमूव कर दिया जाता है मतलब उसको आउटवर्ड आपने देखा होगा कि लीवस पर जो लेसन जो है ऊपर वाली तरफ जो उड़ जाते हैं या फिर इस तरीके से जो है वो प्लांट डिफेंस मकैनिज़्मो किया जाता है तो ये आपने कॉर क्लियर देखी तो इस तरीके से कॉर्कलेयर बनती है तो यहाँ पे भी कॉर्कलेयर बनी है तो ये लीफ में दिखाया जा रहा है लीफ में कॉर्कलेयर जो है वो बनाई जा रही है तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्कलेयर बिटवीन द इनफेक्टेड एंड हेल्थी एरिया ऑफ लीफ तो पी क्या है यहाँ पे ये पी जो है यहाँ पे पी शो किया गया है दैट इज सॉरी फेलोजन तो फेलोजन क्या होता है पेलोजिन ऑब्वियसली जो ऐसी लेयर दी है सेल्स की जो कि कॉर्क को प्रोड्यूस करती है ठीक है और आफ्टर कनिंगम कनिंगम ने ये इमेज जो है हाँ वो दी थी और यहाँ पे जो है हाँ वो कॉर्क लेयर बन जाती है और ये इन्फेक्टेड टिश्यू है ये आई से जो है वो इन्फेक्टेड टिश्यू डिनोट किया गया है तो नेक्स्ट एब लेयर कितना टाइम हो गया एफसीशन लेयर्स जो है वो देख लेते हैं फिर उसके बाद टाइलोसिस ये भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये भी गम्स के बारे में भी तुम्हें पता है गम्स तक पढ़ेंगे आज हम फिर उसके बाद जो है वो अपने लेक्चर को यहीं पे क्लोज कर देंगे फॉर्मेशन ऑफ एवसीशन लेयर तो एफसीशन लेयर जो है वो आप ओबियसली एवसीशन के बारे में आप पढ़ा होगा आपने लीफ एबसीशन के बारे में पढ़ा होगा तो वही चीज़ जो भी यहाँ पर फॉलो की जाती है ठीक है लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड होती है नेचुरली जो है वो ये चीज़ फॉलो नहीं की जाएगी यहाँ पे इंड्यूस्ड होगी एब्जिशन लेयर आर फॉर्म्ड ऑन यंग एक्टिव लीव्स ऑफ द स्टोन फ्रूट ट्रीज आफ्टर द इन्फेक्शन बाय सेबरल फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड एब्सिशन लेयर कंसिस्ट ऑफ द गैप फॉर्म्ड बिटवीन टू सर्कुलर लेयर्स ऑफ लीव्स लीव सेल्स सराउंडिंग द लोकस और इन्फेक्शन ठीक है तो ये सारे के सारे जो लेयर्स होंगी उनके बीच में गैप जैसा बन जाएगा जो एब्सीशन है वो एक जैसे सर्कुलर जैसी लेयर बन जाएगी देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे आप देख रहे हो कि लीफ के बीच में जो है वो क्या है मतलब आपको होल जैसे दिख रहे हैं तो ये होल जैसे क्यों दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एफसीशन लेयर्स बनी है जहां पे इन्फेक्शन हो जाता है ना तो वहाँ पे एवसीशन लेयर बन जाती है एबसीशन लेयर बनने की वजह से वो सर्कुलर उस में वे में कट ऑफ कर दिया जाता है उस लीफ को इन्फेक्टेड पार्ट को अपॉन द इन्फेक्शन द मिडल लेवल बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द सेल डिज़ोल्व एंड थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द लीफ एंड कंप्लीटली कटिंग ऑफ द सेंट्रल एरिया ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लीफ तो सारे लीफ के एरिया को कट कर दिया जाता है रेस्ट ऑफ द लीफ से

तो ये बच जाता है टॉक्सिक सिक्रीशन से, से भी और पैथोजन से भी बच जाता है तो लीव स्पोर्ट एंड शॉर्ट होल कॉज बाय द सिट्राई उससे भी अगर उसके केस में जो है वो सिट्राई तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा नाम कट गया है इसका देखते हैं चलो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं देख लेंगे जेंथोमोनाक्स स्पीशीज है ये तो इसको जैंथोमनास स्पीशीज़ जो है और लीफ स्पॉट और शॉर्ट होल्स जो कि जैंथोमोनास की स्पीशीज कॉज करती है तो उससे बचने के लिए जो है ऐसा एब्सिशन लेयर जो है वो बनाई जा सकती है तो एब्सिशन लेयर जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही है एब्सिशन लेयर और यहाँ पे है दिस वन इज़ द डिज़ीज एरिया और लिग्निफाइड सेल्स तो यहाँ पे क्या है डिजीज एरिया और ये लिग्निफाइड सेल है लिग्निफाइड सेल्स के थ्रू जो है वो इसको ये इतनी इतनी क्या है लिग्निफाइड सेल्स बना दी गई हैं यहाँ पे लिग्निन की डेपोजिशन हो रही है और उसके बाद क्या बन जाता है यहाँ पे एवसीशन लेयर जो है वो बन जाते है जिसकी वजह से ये वाली चीज़ यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये क्या है हेल्दी एरिया दिस वन इज द हेल्दी एरिया यहाँ पे हेल्दी एरिया है और ये वाला एरिया कैसा है इन्फेक्टेड एरिया है तो आप डायग्राम तो क्लियर देख ही सकते हो ये वर्डिंग शायद आपको क्लियर नहीं दिखेगी तो डायग्राम आप देख सकते हो तो डायग्राम जो है वो इसमें क्या है इस तरफ वाला इन्फेक्टेड एरिया है और ये हेल्दी एरिया है और इसको बीच में से कट आउट कर दिया जा रहा है किसके किसके थ्रू लीफ एफसीशन के थ्रू तो ये आपको फाइनल इमेजेस जो है वो यहाँ पे दिख रही हैं आपको लीव्स दिख रहे हैं वहाँ पे ब्लैक कलर के बीच बीच में जो है वो डॉट्स दिख रहे हैं तो वो डॉट्स किसके कारण है लीफ एफन लेयर के कारण जो है वो यहाँ पे ये ब्लैक कलर के डॉट्स और यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे जो है वो बीच का जो सर्कुलर एरिया जो दिख रहा है तो यहाँ पे डेड टिश्यू जो है वो निकाल दिया गया है और डेड टिश्यू में क्या था पैथोजन फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस तो टाइलोसिस क्या होती है आउट ग्रोथ होती है किसमें वेसल्स में जो है वो आउट ग्रोथ होती है किसकी पैरन की जो कि जो कि पिट्स होते हैं उसमें सेल्स के बीच में जो पिट्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो आउट ग्रोथ हो जाती है टाइलोसिस आर द ओवर ग्रोथ्स ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एडजस्टेंट लिविंग पैरनकाइमेटिस सेल्स बिच प्रोट्यूट्स इन टू द जाइलम वेसल्स थ्रू द पिट्स जैसे ये जाइलम वेसल है ना तो उसके साथ जो वो पैरनकाइमास करम काइमेटिक सेल्स हैं तो ये क्या करती हैं पिट्स के थ्रू जो वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की टाइलोसिस मतलब कि एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं अब के करता क्या है टाइलोसिस है सेलुलोजिक वॉल्स एंड मे मे वाई देयर साइज एंड नंबर क्लोक द वेसल्स कंप्लीटली ये वेसल्स को कम्प्लीटली क्लो कर सकता है मतलब रोक सकता है इन सम वेराइटी ऑफ द प्लांट टाइलोसिस आर फॉर्म द अबंडटली एंड क्विकली अहेड द ऑफ द पैथोजन एंड वायल द पैथोजन इज स्टिल यंग रूट और ब्लॉक द पैथोजन टू एडवांस ब्लॉक द फर्दर एडवांस ऑफ द पैथोजन मतलब उसकी आगे ग्रोथ होने से रोकता है या फिर उसको आगे लोकलाइज होने से रोकता है एंड द प्लांट ऑफ दीज वराइटीज़ रिमेन फ्री ऑफ एंड देर फॉर रजिस्टेंट टू द पैथोजन अगर वहाँ पर टाइलोसिस होती है कि पैथोजन uh, के अटैक होने के एकदम बाद से जो वो क्या वहाँ पर टाइलोसिस देखी जाती है तो वो प्लांट कैसा हो जाता है रेजिस्टेंट हो जाता है उस पैथोजन से प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स टू द टॉक्सिन ऑफ विल्ट पैथोजन और ये किसके थ्रू जो वो एग्ज़ाम्पल है जो कि जाइलम वेसल्स के ऊपर जो मतलब टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है विल्ट पैथोजेंस बिल्ट पैथोजेंस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो आपने बिल्ट टॉक्सिन के बारे में कल ही पढ़ा है तो ऐसे कोई दो तरह के टॉक्सिन आपने पढ़े थे जो कि विल्ट टॉक्सिन के थे फिजेरिक एसिड और साथ में कुछ और भी था तो आपने बड़ा सा जो टॉक्सिन्स हैं अगर वो प्रोड्यूस होते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो आगे प्लांट क्या डिफेंड करेगा तो ये चीज़ है कि यहाँ पर टाइलोसिस देखने को मिलती है तो ये टाइलोसिस के एग्ज़ाम्पल है डायग्राम है तो ये येलम वॉल है पैरनकाइमेटस सेल्स हैं पैरनकाइमा सेल ये टी दिखाया गया है और दिस वन इज़ द एल तो और ये ओरिजिनल इमेजेस हैं ठीक है ये ओरिजिनल इमेजेस हैं जैलम वेसल की तो इस तरीके से टाइलोसिस जो वो देखने को मिल रही हैं ये बैलून जैसे स्ट्रक्चर जो वो देखने को मिल रहे हैं ठीक है यहाँ पर भी इस तरीके से स्ट्रक्चर हैं और ये आपको जैसे छोटे छोटे वो दिख रहे हैं दैट इज दैट आर पिट्स तो टाइलोसिस और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जैसे ये कॉनीडियो फोर है ये जैलम वेसल के बीच में ग्रो कर रहा है कॉनीडियो फोर ऑफ द फंगस और जैलम वॉल है ये और फंगल हाइफा है जैसे कि आगे की तरफ जो है वो एडवांस हो सकता था अगर यहाँ पर टाइलोसिस नहीं होती तो ये आगे की तरफ जो है वो जा सकता था मतलब पूरे के पूरे प्लांट तक जो है वो पहुँच सकता था उसको इन्फेक्ट कर सकता था लेकिन टाइलोसिस की वजह से ही वो यहीं पे रुक गया है तो ये था प्लांट डिफेंस इज गम्स नेक्स्ट इज द डिपोजिशन ऑफ गम्स गम्स जब डिपोजिशन होती है तो गम्स के बारे में आपने पढ़ा है आपने फोर्थ पेपर में गम्स एंड रेजेंस के बारे में पढ़ा है तो रेजन्स भी आएंगे आगे तो गम्स के बारे में पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में दैट वाज ये लास्ट होगा वेरियस टाइप्स ऑफ गम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेनी प्लांट्स अराउंड द लेजेंस आफ्टर इन्फेक्शन बाय द पैथोजन और इंजरी ठीक है तो बहुत सारे प्रोड्यूस कर गम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के जो लेजेंस होते हैं जब जब इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे तो उसके अराउंड भी उन लेजेंस के अराउंड भी गम प्रोड्यूस होते हैं और अगर इंजरी हो जाए किसी प्लांट को तब उसके अराउंड भी गम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मतलब सिक्रेट करता है प्लांट एंड द गम्स क्रिशन इज़ द मोस्ट कॉमन इन द स्टोन फ्रूट ट्रीज स्टोन फ्रूट ट्रीज़ जो हैं उनके अंदर देखा जा सकता है तो मतलब आपने देखा होगा आपके आपने जो गम्स गमोसिस की प्रोसेस पढ़ी थी तो वो आपने पढ़ा था कि कौन कौन से प्लांट्स से गम्स जो है वो सिक्रेट होती है तो देट आर जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो गम्स क्रिएट कर होती है तो स्टोन फ्रूट ट्रीज़ जो है वो बोला जाता है उनको बट अकर्स इन मोस्ट प्लांट मतलब गम्स जो स्टोन फ्रूट ट्रीज़ हैं उनके उनमें तो होती है लेकिन बाकी जो ट्रीज़ होते हैं जनरली उनमें भी गम्स जो है वो देखी जा सकती हैं अब द डिफेंसिव रोल ऑफ गम्स टैम्स फ्रॉम द इफेक्ट दट आर दे आर डिपोजिट क्विकली इन द इंटर सेलर स्पेस बिटवीन द सेल द इन्फेक्शन एंड फॉर्मिंग एंड इनपेट्रेबल बैरियर दैट कम्प्लीटली इनक्लोज गम्स का काम क्या है ये जहाँ पे कट या बोंड या फिर इन्फेक्शन होगा वहाँ पे एकदम से जो है वो डिपोजिट हो जाती है तो जिसकी वजह से क्या होता है इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं ये कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन माइक्रोब्स जो है वो उस जगह पर मतलब आगे जब इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अराउंड जब करेंगे गमो मतलब गम सिक्रेट करेंगे तो बिस्ली वो उसके अराउंड जहाँ पे गम सिकरेट हो रही है तो उस, उस बैरियर को जो वो इन्फेक् इन्फेक्शन करने वाले पैथोजन जो है वो पास आउट नहीं कर पाएंगे तो अगली जगह पे वो नहीं फैल पाएंगे और और जहाँ पे कट या बुंड लगा है तो वहाँ पे बाहर से इन्फेक्शन जो है वो नहीं आ सकता है एंड अ पैथोजन दैट विकम आइसोलेटेड एंड स्टाफ्स एंड अ सूनर दे लेटर दे डाइज तो ये एक तरीके से बैरियर बना देता है तो बाकी काफ़ी टॉपिक टौकि टॉकिस अभी बचे हैं बायोकेमिकल डिफेंस रिएक्शन जो है वो अभी बचा हुआ है तो उसको करवाते हैं आपको तो उसको लास्ट आपको कल करवा देंगे चलिए अपनी अटेंडेंस दीजिए अटेंडेंस दीजिए अपनी कौन कौन प्रेजेंट है वन एट वन जीरो एट तो बड़ी देर पहले बोला था थ्री फाइव थर्टीन फोर नाइन वन टेन ट्वेल्व सिक्स 11, 7 8, कहां पे हैं? इन आ, ये जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ गम्स का एग्जांपल मैम बच्चे गम्स आपको करवाई नहीं है आकृति आकृति गम्स एंड ड्र आपको करवाई नहीं है गम का वैसे कोई एग्जाम्पल नहीं है वैसे एग्जाम्पल जो है गम्स का जैसे आएगा जैसे जो पाइनस की ट्रीज हैं पाइनस का ट्री है या फिर डिजीज में डिजीज में डिजीज में भी वही वही वाली गम्स जो हैं वो सिक्रेट होती हैं, जो वहाँ पे सिक्रेट होती हैं। आपको जो गम्स के एग्जांपल बताए ना गमोसेज के थ्रू तो जिस प्लांट से वो सिक्रेट होगी वो उसी से रिलेटेड होगी उससे रिलेटेड ही उसका नाम होगा तो उसका एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल देखती हूँ हम्म <laughs> हम्मल <laughs> वैसे तो कोई इसका खास कोई एग्ज़ाम्पल तो नहीं दिया गया है लेकिन आपने जो फोर्थ पेपर में पढ़े हैं ना फोर्थ पेपर में जो गम्स के एग्ज़ाम्पल पढ़े हैं वही आएंगे यहाँ पे लेकिन वहाँ पे ये मत लिख देना कि टैपिंग के थ्रू आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि इन्फेक्शन अगर हो जाए तब ये गम्स जो हैं वो सिक्रेट हो सकते हैं तो जी एट रोल नंबर आ गया 7 रोल नंबर कहाँ गायब है मनु भट्टी है शायद the... hmm, okay. oh, ये हेलो आ गए आज के पूरे हुए हैं बच्चे इसी तरीके से सारे प्रेजेंट रहा करो और थ्रू आउट द लेक्चर जो है वो प्रेजेंट रहा करो बीच में गायब मत हुआ करो चलो अब मैं लाइव सेशन एंड कर रही हूँ